फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार रिलेशनशिप में लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक किसी बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है या फिर उदास हो जाता है और इस चीज को देखकर आपका लाइफ पार्टनर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए उस समय पर हमारे मन में केवल एक ही विचार आता है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारा पार्टनर उदास ना हो और वापस से पहले की तरह खुश मिजाज हो जाए। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आसान से तरीके जिनसे आप अपने उदास पार्टनर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उनसे उनकी उदासी की वजह पूछने की जरूरत है। ज्यादातर लोग जब रिलेशनशिप्स में होते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है और अपनी प्रॉब्लम को अपने तक ही रखना चाहते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम को शायद आपके साथ शेयर ना करें। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उन्हें हमेशा इसी बात का एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। और अगर वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं तो भी आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हुए उन्हें हैप्पी रखने की कोशिश करनी होगी। हमेशा सकारात्मक सोचिए, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उनके दोस्तों से बात करिए, उनके दोस्तों को डिनर पर बुलाइए, हंसी मजाक करिए, जो वो चाहते हैं वैसे काम करिए और फिर देखिए कि उनका मूड कैसे चेंज हो जाता है। आप चाहे तो उन्हें कोई मीठा सा डिजर्ट बनाकर खिला सकती हैं या फिर प्यार से भी संभाल सकती हैं। सो दोस्तों, ये है आसान से तरीके अपने उदास लाइफ पार्टनर को वापस से खुश करने के लिए। मेरी ब्यूटी, हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।